हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के बारे में। यहां पर पीएचडी एडमिशन 2022-23 सेशन के लिए ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है और इसकी स्टार्टिंग जो है 7 जुलाई 2022 से हो चुकी है एंड यानी कि कल से हुई है एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त 2022 रहेगी। आवेदन शुल्क यहाँ पर जो भी है वो आगे डिस्कस हो जाएगा एंड यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो नेट जीआरएफ कैंडिडेट हैं वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट होंगे एंड उनको भी इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, अभी जो न्यू पॉलिसी आई है उसके बारे में हम बाद में एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। आप लोग इसके बारे में कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी पुराना वाला है, मतलब कि 2022-23 से तो मुश्किल है लागू होना। जो भी आया हुआ है वो नेक्स्ट सेशन से देखा जाएगा, तो उसके बारे में अभी कमेंट ना करें। अगर आप आगे चल के पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें, उसके लिए डिटेल वीडियो अच्छे से हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उस मध्य प्रदेश राज्य से है एंड इसके बारे में आप लोगों ने ही कमेंट करके कहा था कि वीडियो लाइव है, हालांकि हम वैसे भी लाने ही वाले थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी इस समय बहुत 4-5 एप्लीकेशन फॉर्म हो गए हैं, जैसे कि एक ये यूनिवर्सिटी, ऊपर दूसरी जो है नागालैंड यूनिवर्सिटी, तीसरी मिजोरम यूनिवर्सिटी है एंड चौथी है आपकी DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लास्ट डेट 10 को है एंड एक है आपकी सिक्किम यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसका भी 10 को है। तो इस तरह से इतने एप्लीकेशन फॉर्म है और जो स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं वो भी टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो हम सबका एक एक पोस्ट डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी यूनिवर्सिटी ऐड होती हैं सेंट्रल स्टेट इस तरह से उसकी लास्ट डेट और एप्लीकेशन के लिंक के साथ। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे तो आपको प्राप्त होता रहेगा नोटिस। ठीक है, एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे पास कुल 15 सब्जेक्ट्स जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एंड केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, यहाँ पर होम साइंस भी है, लॉ भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है एंड जो भी सब्जेक्ट है मैक्सिमम सब्जेक्ट हम प्रोवाइड किए हैं। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो फटाफट लिंक से विजिट करके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, स्टोर पर जाकर आप डिटेल्स देख के ले सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ईमेल से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आती है जैसे पेमेंट हो गया, नहीं आप डाउनलोड कर पाए तो आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे बात करें, कांटेक्ट करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड नैक ए ग्रेड है, तो ये बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप एडमिशन सेक्शन में आएंगे तो 6/7/2022 की नोटिस है, पीएचडी एडमिशन नोटिस एंड एडमिशन ब्रोशर भी है एंड लिंक फॉर पीएचडी एडमिशन ये दिया गया है एडमिशन का, यहाँ से आप लिंक पर जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम नोटिस देखते हैं, पीएचडी एडमिशन का ये नोटिस है। यहाँ पर एडमिशन जो है 2022 सेशन के लिए 7 जुलाई को स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट 3 अगस्त को है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया गया है। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है आपको कांटेक्ट करना है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर ईमेल आईडी जो भी है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन सेल ऑफिस का नंबर भी दिया है, ये वर्किंग आवर्स में 9 से 4 के बीच में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोशर में सीटों की डिटेल्स देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ब्रोशर है यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन के लिए और इस ब्रोशर में सारी डिटेल्स दे गई हैं, जैसे कि यहाँ पर 55% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ओबीसी और एससी एसटी वालों को 5% की छूट दी गई है। देख सकते हैं आप, ओबीसी एससी एसटी वालों को 5% की छूट दी गई है और वही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% या फिर उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह अभी से प्रिपेयर करना चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों मोड में यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है, ये 2 स्टेज का प्रोसीजर होगा, एंट्रेंस टेस्ट एंड जो होगा इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस टेस्ट में पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा, पार्ट ए से आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड ये सभी रिसर्च मेथोलॉजी से होंगे। यहाँ पर पार्ट बी होगा, वो भी आपका 50 क्वेश्चन होगा, ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट से होगा और सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के 0.7 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिलैक्सेशन 5% का एस सी एस टी वालों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना है तो 50% लाना होगा और एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी वालों को 45% लाना होगा। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट या जेआरएफ, सीएसआई या नेट या जेआरएफ हैं, ये सभी कैंडिडेट एग्जेम्प्ट होंगे एंट्रेंस टेस्ट से। इनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा लेकिन अप्लाई इन्हें भी करना होगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए डिटेल्स ये हैं तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज जो सीटों की डिटेल्स हैं
वो दी गई हैं। तो टोटल 134 सीटें हैं एंड इसकी कैटेगरी वाइज सीटें भी डिवाइड हैं नीचे, तो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो हम डिपार्टमेंट वाइज ही देखेंगे, कैटेगरी वाइज आप बहुत से खुद देख लीजिएगा। जैसे कि एनसीएन इंडियन हिस्ट्री में 2 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 3 हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में 3 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीटें हैं, इसका पेपर अवेलेबल है, बॉटनी 4 सीटें हैं एंड बिजनेस मैनेजमेंट 6 सीटें, केमिस्ट्री में 4 सीटें हैं, कॉमर्स में 9 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 2, क्रिमिनोलॉजी में 2 सीट, इकोनॉमिक्स में 4, इंग्लिश एजुकेशन में 8, इंग्लिश में 4, फॉरेंसिक स्टडीज़ में या साइंस में 3 सीटें हैं, हिंदी में 9 है, हिस्ट्री में 4 है एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें हैं, लॉ में 2 है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 4 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक्स में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 10, म्यूजिक में 3, फार्मास्यूटिकल साइंस में 4, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4, एडल्ट एजुकेशन में 1, संस्कृत में 7, सोशियोलॉजी सोशल वर्क में 6, उर्दू में 1, योगिक साइंस में 2 सीटें हैं एंड जूलॉजी में 2 सीटें हैं, फाइन आर्ट्स में 1 सीटें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में थिएटर्स में 1 सीटें, टोटल 134 सीटें हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंस का अलग थोड़ा नीचे स्टार लगा के दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। सीटों की डिटेल्स यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होती है। अब इंट्रेंस टेस्ट जो होगा, जो एप्लीकेशन है उसकी फ़ीस क्या है, तो इंट्रेंस टेस्ट होगा PhD ET, मतलब PhD इंट्रेंस टेस्ट, इसकी इंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है ₹1,000 अनरिजर्व EWS और OBC के लिए एंड ₹500 CST कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन के लिए ये स्टेप 1 स्टेप 2 ये डिटेल्स दी गई हैं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो एप्लीकेशन करने में। ठीक है, और स्टेप्स के लिए स्क्रीन ये रिकॉर्ड भी दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल अभी से दे दिया गया है, 11 सितंबर 8 से 10 AM, 12 से 2 PM, 4 से 6 PM। 11 सितंबर को 3 शिफ्ट में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। और इम्पॉर्टेंट डेट में, तो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट हमने बता दिया 11, आंसर की 14 को आ जाएगी, 17 को आपका जो है वो रहेगा चैलेंज करने के लिए डेट, फिर फाइनल रिजल्ट आपका जो है वो अक्टूबर तक आ जाएगा, अक्टूबर या नवंबर में। एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर, ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर जो होगा वो सागर सेंटर ओनली होगा, मतलब कि जहाँ यूनिवर्सिटी है ये MP सागर में है, तो वहीं इसका सेंटर भी होगा। और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आ जाएगा और ये आपको डाउनलोड करना होगा, बाई पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड क्वेश्चन पेपर, तो जो क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस होगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं कैसे आप सिलेबस निकालेंगे, तो ये उसका लिंक दिया गया है, ये www.dehsgsu.edu.in, यहाँ से आप ले सकते हैं। और स्ट्रक्चर एंट्रेंस टेस्ट का इस तरह से दिया गया है, फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर PhD के लिए वो भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर जो टोटल फीस है ड्यूरिंग कोर्स वर्क ऑनवर्ड सेमेस्टर आफ्टर कोर्स वर्क, तो टोटल जो है जैसे कि जनरल OBC कैटेगरी के लिए लगभग 15,000 तक रहेगा, बाद में थीसिस वाला जो सबमिशन होता है वो 10,000 होता है, वो अलग होता है। सेमेस्टर फीस वुड बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर, अगर स्टूडेंट डज नॉट पे फी ऑन द टाइम फाइन लगेगा 1,000 का, फिर उसको भी आपको देना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा लोकेशन है वहाँ का। बाकी जो चीज़ें हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको डिटेल्स देंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अगेन जाके विजिट करें एंड जाके ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।